जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसके बारे में हमने डिस्कस करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो पहले तो हमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो क्या है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर अल्कोहल की बात की जाए तो अल्कोहल सबसे पहले देखने में तो कलरलेस है, उनका कोई कलर नहीं होता। अच्छा भाई ये हो गया हमारे पास कलरलेस। सेकेंड प्रॉपर्टी है स्वीट स्मेल होती है भाई इनकी। थर्ड प्रॉपर्टी इनकी है कि ये हैं टॉक्सिक भाई। फोर्थ की बात कर ली जाए तो सॉल्युबिलिटी की आती है बात। सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं कि ये जो अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल बाकी चीज़ें तो जनरल हैं। अगर हम सॉल्युबिलिटी को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि ये सॉल्युबल किस तरह हैं, तो हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर, दे आर लिटल सॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि अगर हम बात कर लें एक ये क्यों सॉल्युबल है वाटर में, किस वजह से, एक कौन सा ऐसा करैक्टर है जिसकी वजह से ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो बेटा आपको पता होना चाहिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अगर वैसे अगर देखा जाए तो आर ओ एच, अगर हम वैसे इसका जनरल फार्मूला होता है आर ओ एच, मैंने जस्ट उसको एक्सपेंड फॉर्म में थोड़ा सा उसकी जो चेंजिंग कर दी है जो स्ट्रक्चर में, लेकिन बात वही है। अच्छा भाई यहाँ पे क्या होगा, आर सेम उसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का, फिर आर ओ एच। तो देखा जाए यहाँ पे अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी बात करें, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह डिवेलप होती है, मतलब एक एक मॉलिक्यूल है उसका जो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव टर्मिनल, और एक जो उसका ऑक्सीजन, बेसिकली हमें पता है ऑक्सीजन है नेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी वजह से वो पार्शियल नेगेटिव है। तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव और एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव आपस में जो अट्रैक्शन करेंगे, जो डॉटेड लाइन में जो शो की जा रही है, वो बेसिकली क्या होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सेम इसी तरह इसी सिनेरियो के साथ फर्दर जो है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्डिंग करेगा वो इसी सिनेरियो से करेगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। जी भाई यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो मॉलिक्यूल है इनके दरमियान ये सॉल्युबल हैं। सॉल्युबल अगर वाटर के साथ सॉल्युबल किस तरह होते हैं, तो अगर वाटर का मॉलिक्यूल देख लिया जाए आर ओ एच है, जैसे कि बुक में दिया गया हुआ है आर ओ एच एंड दिस वन, वाटर की बात कर ली जाए ऑक्सीजन और उसके उस साइड पे दोनों साइड पे हाइड्रोजन। आप देखें भाई वाटर के एक जो एंड है जो कि इसके ऊपर नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव है, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, जबकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, अब ये भी पार्शियल। अभी देखिए ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन शो करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा एक एंड उसका जो पार्शियल पॉजिटिव है दूसरे एंड के साथ, उसका क्या होगा भाई, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस तरह जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो तब हम कहते हैं कि ये सॉल्युबल है। अब देखें आप कहते हैं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो मीथानोल एंड इथानोल जो है जो लोअर मेंबर है अल्कोहल के, वो जो लिक्विड में है, और जबकि अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात कर ली जाए जो कि अल्केन्स की बात करते हैं हम, तो वो उसके जो लोअर मेंबर होते हैं वो हमारे पास गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो इसकी वजह से इसकी क्या वजह है, और ये वाटर में डिजोल्व होते हैं, तो इसकी वजह सिर्फ ये है, सिंपल सी वजह है कि भाई किस वजह से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आपको पता होना चाहिए कि इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स है वो क्यों डिसॉल्व नहीं होते हैं, और जबकि अल्कोहल है वो क्यों लिक्विड फॉर्म में है और वो क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं, और वो आंसर इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन है जस्ट ये पॉइंट। तो आप होप्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल इसके रिएक्शंस की बात करेंगे। सो ओके बेटा अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।